बिहार के गया में एक नाबालिग लड़की की हत्या की गुत्थी उलझती ही जा रही है। दरअसल गया के बुनियादगंज थाना के पटवा टोली से 28 दिसंबर से लापता नाबालिग लड़की का शव 6 जनवरी को पटवा टोली के कुछ ही दूर नदी के किनारे झाड़ी में मिला था। मृतिका की बहन ने पुलिस पर टॉर्चर का झूठा बयान दर्ज करने का आरोप लगाया है। वहाँ पर इतना टॉर्चर किया गया कि हम बोल कहा गया। वहीं पुलिस ने इसे ऑनर किलिंग का मामला बताकर मृतका के माता पिता और मृतका के पिता के दोस्त को गिरफ्तार किया। गया के SSP राजीव मिश्रा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे ऑनर किलिंग बताया था। अभी तक जितनी बात सामने आई है उसमें प्राइमा फेसी हम लोगों को यही लग रहा है कि मामला कहीं न कहीं परिवार के सदस्यों द्वारा ही इस घटना को कारित किया गया। SSP के अनुसार माँ और बड़ी बहन ने मृतक के 31 जनवरी को लौटने के बाद स्वीकार की है, लेकिन पहले के बयानों में वे इस बात को छिपा रहे थे। वहीं पुलिस हिरासत से छूटने के बाद मृतका की बहन ने बताया कि पुलिस ने टॉर्चर करके झूठा बयान दर्ज किया है। पापा मम्मी को भी पुलिस ने बहुत पीटा। उसने बताया कि मुझे जबरन कहलवाया गया कि मृतका 30 दिसंबर की रात में घर आई थी, जिसके बाद पापा ने अपने दोस्त के साथ भेज दिया था। दूसरी ओर मृतका के माता पिता और अन्य को कथित तौर पर फंसाए जाने के विरोध में पटवा टोली के लोग शुक्रवार से 15,000 पावर लूम बंद कर हड़ताल पर चले गए हैं। वस्त्र उद्योग बुनकर सेवा समिति के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पटवा ने बताया कि पुलिस ने अपने बचाव के लिए निर्दोष को फंसा दिया है, जिसके विरोध में 15,000 पावर लूम में काम करने वाले 45,000 बुनकर मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने इस घटना की जांच CBI या अन्य एजेंसी से कराने की मांग की है। 12,000 पावर लूम अनिश्चित काल के लिए बंद किए हैं। 45,000 लगभग बुनकर कामगार मजदूर जो काम करने वाले हैं वो आज से बैठ गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। उसी व्यक्ति का शव बुनियादगंज थाना क्षेत्र से ही मिला है। इस संबंध में जब प्रारंभिक अनुसंधान हुआ तो उसमें ये बात आई है अभी तक अनुसंधान के क्रम में कि जो विक्टिम थी वो 31 तारीख को अपने घर वापस आ गई थी। 31 तारीख को घर आने के बाद उसको जो है शाम को 6 बजे घर वापस आई थी, जैसा कि उसकी विक्टिम की माँ और बहन का स्टेटमेंट हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है। और उसके बाद जो है वो रात में फिर से गायब हो गई। उस संबंध में जो विक्टिम के फैमिली मेम्बर्स हैं उनका कहना है कि उनके फादर ने अपने एक फ्रेंड को बुला के विक्टिम को उसको उसके साथ भेजा था, और उसके बाद 6 तारीख को उसकी डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी जो 6 तारीख को मिली है वो देखने से 5 से 6 दिन पुरानी लग रही है प्राइमा फेसी। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोगों को नहीं मिली है। तो इस पूरे मामले में अभी तक ये स्थिति स्पष्ट हुई है कि विक्टिम के फादर ने अपने फ्रेंड को विक्टिम को भेजा, अंतिम समय में वो जीवित उन्हीं के साथ देखी गई है। इस आधार पर फिलहाल हम लोगों ने जो विक्टिम के फादर हैं, मदर हैं और जो उनके फ्रेंड हैं उनको डिटेन कर लिया है। विक्टिम के फैमिली मेम्बर से पूछताछ के क्रम में जो बात आई, जिस लड़के के साथ जाने की बात आई, उस लड़के को भी पुलिस ने डिटेन कर लिया है, और अन्य एक दो जो संदिग्ध लोग हैं उनको भी पुलिस ने डिटेन कर लिया है। इस मामले में आगे पूछताछ चल रही है। अभी तक जितनी बात सामने आई है उसमें प्राइमा फेसी हम लोगों को यही लग रहा है कि मामला कहीं ना कहीं परिवार के सदस्यों द्वारा ही इस घटना को कारित किया गया। छुआने लगा कि कौन मारा बोला, फिर हम बोले कि हमको नहीं पता कौन मारा। हम बोले कि ये सब गुंडा करता है, तो उन्हीं लोग का हाथ होगा। तो कह रहा था कि नाम लो, तो हम कहे हम किसी को नहीं पहचानते, तो नाम कैसे पता रहे। फिर कहा कि आई थे ही नहीं, तो वहाँ पर इतना टॉर्चर ही किया गया कि हम बोल कहा गया कि एक को जबरदस्ती बुलवाया ना। यही है कि 28 को जो गई उसके बाद नहीं आई है। ये सब जितना है बयान सब झूठा है, क्योंकि हम टॉर्चर के कारण हम झूठ बोल दिए। सब कुछ जितना कुछ बोले हैं वहाँ सब कुछ झूठा है। जो फंसा है सो झूठे फंस गया है। वही तो इतना बुरा तरह मारा है ना कि खड़ा भी नहीं पापा हो सकते हैं। किसको मारा है? पापा को बहुत पुलिस मारा। ये गछवा रहे थे कि गच्छो की तुमको ही हाथ है मरवाने में पापा को। यस, और मारा है पापा का दोस्त वो गछवाने के लिए। पापा और पापा कौन है? लीला, लीला लीला पे ही है। लीला पापा के दोस्त है। यस, वो नहीं कुछ किया। वो हमें रहती थी दिन भर मम्मी के साथ ही, तो अचानक गई रह गई। क्यों, क्या लगा तुम लोग के खोज हमको? यस, बहुत खोजबीन हुआ।
बहुत ज्यादा एकदम रात भर खोजते रह गए, कहीं कोई शक नहीं, कोई शक नहीं मिला एकदम, कहीं पे नहीं मिला, कुछ भी नहीं। 28 तारीख के चंद्रा कुमारी के गुमशुदा होने के बाद 6 जनवरी को छत बिछत अवस्था में उसकी लाश मिली और पुलिस प्रशासन ने उसके माता पिता को ऑनर किलर बताते हुए दोषी करार दिया। इसके विरोध में हम लोग यहाँ पर 12,000 पावर लूम अनिश्चित काल के लिए बंद किए हैं। 45,000 लगभग बुनकर कामगार मजदूर जो काम करने वाले हैं वो आज से बैठ गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं और ये बंद अनिश्चित काल रहेगा जब तक पुलिस ने जो गलत निर्दोष लोगों को फंसाने का काम किया है उच्च स्तरीय SIT टीम या कुछ गठित करके, अगर नहीं हो जाती है तब तक हम लोग बंद रखेंगे। बौद्ध महोत्सव 2019 का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। बौद्ध महोत्सव उद्घाटन के पूर्व महाबोधि मंदिर का परिभ्रमण किया व महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना की। परिभ्रमण के दौरान महाबोधि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बातचीत हुई। आयोजित 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव में बॉलीवुड सिंगर मोहित चौहान ने जलवे बिखेरे तो वहीं श्रीलंका, तिब्बत, थाईलैंड, लाओस सहित विभिन्न देशों से आए कलाकारों ने भी जलवे बिखेरे। पर्यटकों को आकर्षित करने और बुद्ध सर्किट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पिछले 1998 से बौद्ध महोत्सव का आयोजन प्रारंभ किया गया है। वहीं इस मौके पर मैं आई हेल्प यू सेंटर सहित 59 योजनाओं का भी मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। पब्लिक स्कूल में राजयोगी युवा दिवस के बारे में बच्चों को बताया गया। इस मौके पर विद्यालय के पूर्व प्राचार्य संजीव कुमार भी उपस्थित होकर विवेका और नंद के विचारों को बच्चों को बताया। गुरुआ थाना क्षेत्र के खैरी गांव में भोला यादव के घर में आग लगने से हजारों रुपए का नुकसान हो गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर पाया गया काबू। आमस थाना क्षेत्र के महापुर के निकट बोलेरो पर लदी झारखंड निर्मित शराब के झारखंड नंबर बोलेरो को बरामद पुलिस ने किया। मौके से चालक फरार हो गया। फिल्म और विज्ञापन फिल्मों में वॉइस ओवर हेतु आवश्यकता है एक फीमेल वॉइस आर्टिस्ट की। इच्छुक फीमेल वॉइस ओवर आर्टिस्ट संपर्क करें SHK फिल्म्स एडिटिंग लैब नियर मिर्जा गालिब कॉलेज गया। मोबाइल नंबर 9504009099। हमारे आज की एक खास जरूरत मोबाइल, लेकिन जब तक ये ठीक ठाक काम करे जिंदगी बड़ी मजेदार लगती है और जब कभी ये खराब हो जाए तो सच मानिए जिंदगी ही बेकार लगती है। क्या आप बेरोजगार हैं और काम की तलाश में हैं? तो मूवनेट कोचिंग सेंटर में आकर जॉब करियर कोर्स करें। जॉब करियर कोर्सेज में कंप्यूटर DIH रिपेयरिंग कोर्स, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, LED TV रिपेयरिंग कोर्स, हाउस इलेक्ट्रीशियन कोर्स करें और अपना करियर बनाएं। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें मोबनेट इंटरनेशनल कंपाउंड नियर APR मॉल के पीछे पेट्रोल पंप काशीनाथ मोड़ आनंद सिनेमा गया। मोबाइल नंबर 6200623788 और 6201804475। मेसर्स प्रिंस इलेक्ट्रिकल्स डील्स इन ऑल टाइप ऑफ इंटीरियर। यदि आप अपने घर में इंटीरियर डेकोरेशन का काम करवा रहे हैं तो फिर बगैर आकर्षक लाइटों के ये अधूरा होगा। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें मेसर्स प्रिंस इलेक्ट्रिकल्स AN रोड किरानी घाट पेट्रोल पंप गया। मोबाइल नंबर 9123136522 और 9122474266। डील्स इन ऑल टाइप ऑफ इंटीरियर लाइटिंग, लाइटिंग LED एंड वॉलपेपर, फेंस, वॉल लाइट, झूमर, स्ट्रीट लाइट, फ्लड लाइट, फॉल सीलिंग एंड मेनी मोर। मेसर्स प्रिंस इलेक्ट्रिकल्स AN रोड किरानी घाट पेट्रोल पंप गया। मोबाइल नंबर 9123136522 और 9122474266।
4747266। मिलन ऑर्केस्ट्रा बिहार का नंबर वन। मिलन ऑर्केस्ट्रा किसी भी शुभ अवसर पर ऑर्केस्ट्रा जागरण इवेंट हेतु आज ही संपर्क करें। मिलन ऑर्केस्ट्रा बागेश्वरी पावरगंज बैरागी नियर पीएनबी बैंक गया। मिलन ऑर्केस्ट्रा से बारात के लिए बग्घी इवेंट ऑर्केस्ट्रा हेतु लेडीज और जेंट सिंगर भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। मिलन ऑर्केस्ट्रा बागेश्वरी पावरगंज बैरागी नियर पीएनबी बैंक गया। मोबाइल नंबर 9931692911 और 9835071035। पेट सेंटर 25 एकड़ में बना फार्म हाउस जहां आपको मिलेगा हर वैरायटी के डॉग लेब्रा जर्मन शेफर्ड रॉटविलर पिटबुल इत्यादि। साथ में डॉग फूड एज ए सीरीज भी उपलब्ध। फार्म हाउस में मौजूद है कई वैरायटी के रंग बिरंगे आकर्षक बर्ड्स। साथ में बर्ड्स को घरों में सजाने के लिए पिंजरा भी मौजूद। हमारे यहां हर नस्ल का बकरा भी मौजूद। शादी बर्थडे किसी भी कार्यक्रम हेतु सस्ते कीमत पर वजन कराकर बकरा खरीदे। हमारा पता सीताकुंड बाईपास के दक्षिण हलगू नदी के किनारे। मोबाइल 8210079269। बनाने के लिए आपके साथ है SHK Films एडिटिंग लैब। शादी हो बर्थडे हो या रिसेप्शन हर लम्हों को कैद करके रखते हैं हम, वो भी परफेक्शन के साथ। हमारा काम ही हमारी पहचान है। SHK Films एडिटिंग लैब सालों साल से सिर्फ आपकी सेवा में। एक बार जरूर आए SHK Films एडिटिंग लैब। कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना हो या अपना कोई एल्बम बनाना हो, आप सभी का स्वागत है। गाना तो आप बहुत अच्छा गा लेते हैं, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग कैसे? क्षेत्रीय कलाकार हमसे संपर्क करें। SHK Films एडिटिंग लैब नियम मिर्जा गालिब कॉलेज गया। मोबाइल नंबर 9934605114 एंड 9852091275। किसी भी शुभ अवसर पर कव्वाली या गजल के कार्यक्रम के लिए संपर्क करें बिथो शरीफ दरगाह के कव्वाल जनाब रियान वारिस सूफी कव्वाल एंड गजल सिंगर रियान वारिस सन ऑफ राजन भारती कव्वाल किंग ऑफ गजल रियान वारिस बिथो शरीफ दरगाह गया बिहार। मोबाइल नंबर 9934264891 और 7050029862। इंडिया में भरोसे की मिसाल है डबल चेक। कैसे? आओ दो कदम पीछे लेकर खुद ही देखें। किसी दिन दरवाजा डबल चेक तो किसी दिन न्यूज। कभी कभी तो कार भी हो जाती है डबल चेक। अब जिस देश में भरोसे का मतलब है डबल चेक, वहाँ वोटिंग के लिए ईवीएम का नया वीवीपैट, ताकि आप अपना वोट डालते ही डबल चेक कर सके। कुछ ऐसे ही हजारों और चेक्स मिलकर बनाते हैं ईवीएम को भारत की मिसाल। ईवीएम मशीन नहीं, भारत की मिसाल।